हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम मुमरा रेलवे स्टेशन पे यहाँ खड़े हैं, लोग यहाँ पर टिकट काउंटर पे आप देख रहे हैं लगातार भीड़ जमी हुई है और लोग यहाँ परेशान हैं। हमें शिकायतकर्ता लोगों ने हमें बताया है, हम आपको आगे उनकी बात भी बताएंगे। दो वैक्सीन लेके उन्हें एक महीना हुआ है और एक महीना होने के बावजूद उन्हें टिकट काउंटर से टिकट नहीं दी जा रही है। मास्टर गवर्नमेंट का जीआर जो था रेलवे में ट्रैवल करने का, तो मास्टर गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐसा है दो वैक्सीन लेने के बाद आपको एक महीने का पास निकालना कंपलसरी है। मगर इस कोविड 19 को लेके लोग परेशान हैं, लोगों के पास आज भी रोजी रोजगार से परेशान है। और इस परेशानी के बीच में जब उन्हें एक से दो ही दिन बॉम्बे ट्रैवल करना है कुछ अपनी दुकान का सामान लाने के लिए, तो उन्हें एक महीने का पास ज़बरदस्ती निकालना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग हैं शिकायतकर्ता लोग जो हमें यहाँ बुलाए, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, उनने हमें यहाँ बुलाए और जो यहाँ पर टिकट निकालने जाते हैं दो वैक्सीन लेने के बाद, तो उन्हें बताया जा रहा है यहाँ अपना आधार कार्ड लाके लिंक कराया जाए और लिंक कराने के बाद आपको जेरोक्स निकाल के लाना है और आपको टिकट मिलेगी। और टिकट नहीं मिलने की वजह यह है लोग परेशान हैं, उन्हें एक महीने का पास ही निकालना कंपलसरी है। हमने यहाँ लोगों से शिकायतकर्ता लोगों से बातचीत की है, उन्होंने बताया है यहाँ पर ये जो मास्टर गवर्नमेंट का जो जीआर है वो पूरा रॉन्ग है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो वैक्सीन लेने के बावजूद हमें एक दिन की टिकट नहीं मिल रही है, एक महीने का पास निकालना पड़ रहा है। तो हमने लोगों से बात की है, शिकायतकर्ता से हमने बात की है, क्या बातचीत की है हम आपको दर्शा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजिम डोडिया है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो आप मुमरा स्टेशन पे खड़े हुए हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है टिकट लेने के लिए? इधर मैं आया टिकट काउंटर के पास, वो लोग ने बोले ये अपना कुछ पेपर अपना ये ऑनलाइन करके प्रिंट आउट लेके आओ। फिर प्रिंट आउट करा के लेके आए तो यहाँ पे काउंटर में बोले भाई तुमको पेपर प्रिंट आउट करा, ये वाला मेरा जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है। अच्छा, दो वैक्सीन आपने ले लिए? हाँ, ले लिया। तो बाद में वो लोग ने बोले अभी आपको सिर्फ पास मिलेगा। तो मेरा डेली कुछ काम तो है नहीं, मेरा ट्रैवलिंग करने का, मैं डेली पास लेकर करूँ क्या? मैं आज मुझे सिर्फ बॉम्बे जाना है, मेरा कुछ सामान लेने, कैमरे का यूनिट वगैरह, लाइट्स लेने एक दिन के लिए। तो बाकी एवरीडे का पास मेरे क्या काम का है? तो भी कंपलसरी है हम लोगों को, ये लोग बोले आपको ये पास ही लेना पड़ेगा। मतलब आपने बॉम्बे जाने के लिए दो वैक्सीन ली और उसके बाद भी आपको बॉम्बे जाने के लिए टिकट नहीं मिल रही है। ये जो जीआर दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, दो वैक्सीन के बाद में आपको ट्रेन में जाने की सहूलियत मिलेगी और टिकट मिलेगी। हाँ। मगर ये जो मास्टर गवर्नमेंट ने दी है तो इसकी एक महीने की पास डायरेक्ट आपको लेनी है। हाँ। सिंगल टिकट नहीं दे रही, नहीं मिले। तो ये जीआर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सही है या गलत है? वेरी रॉन्ग है, गलत है, ये काफ़ी गलत है। और डेली इसका आउटडोर का अपने ट्रैवलिंग का काम नहीं है, इसका जॉब नहीं है वहाँ पे, तो पास लेके मैं करूँ क्या? खाली आज के दिन जाना है तो मुझे बॉम्बे, तो मैं टिकट ही मेरे को काम आएंगे, तो पास लेके मैं क्या करूँगा फिर मैं? मतलब दो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सहूलियत नहीं मिल रही है, सेकेंड वैक्सीन होने के बाद भी टिकट नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहिए? मतलब ये कहना चाहूँगा अपने सीएम साहब को, ये आपने जो ये जो रूल्स आपने जो पास करवाए ये कुछ मतलब नहीं है। अनलेस ये पास लेके क्या करेंगे, 21 दिन के किसी का आउटडोर का कुछ काम है, मुमरा के अपने कहाँ बाहर निकालना है, सिटी के बाहर निकलना है, तो पास लेके क्या करेंगे? तो उसका खाली एक दिन का काम है, क्या महीने में दो दिन का काम है, क्या तीन दिन का काम है, कुछ काम निकला तो पास लेके क्यों क्या करेंगे फिर वो? बस यही मेरी अपील है। आपने दो वैक्सीन लिए? नहीं, मेरा दो वैक्सीन नहीं हुआ है, मेरा वो एक वैक्सीन हुआ है। एक वैक्सीन? हाँ, लेकिन मेरा आना जाना यहाँ से रोज़ है। रोज़ और वहाँ पे मैं टिकट के लिए लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसी सिचुएशन देखता हूँ कि जो दो वैक्सीन हो गए वो लोग, या लेडीज़ हो जेंट्स हो, उन लोग को यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। दो वैक्सीन लेने के बावजूद गवर्नमेंट ने ऐसा, अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि दो वैक्सीन लेने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। नहीं, तो उस जीआर का ये है दो वैक्सीन लेने के बाद 15 दिन के बाद एक महीने का पास मिलेगा जी। तो ये जीआर कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? नहीं, ये जीआर बिल्कुल मेरे हिसाब से,
मेरे हिसाब से तो ये GR बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो वैक्सीन इंसान इसलिए लेता है कि उसको ट्रैवल करने मिले, जो भी उसको आसानी हो, सहूलियत हो, लेकिन यहाँ पे दो वैक्सीन वालों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी लेनी पड़ती है। अब कोई जॉब करता हो, कंटिन्यू आना जाना हो रोज़, तो उसके लिए ओके पास मिल, लेकिन अगर किसी को वन टाइम जाके आना है तो उसको भी महीने का पास देने के लिए बोल रहे हैं लोग। जैसे लोगों की दुकान है, शॉप है बॉम्बे से, उसे एक दिन, हफ्ते में एक दिन जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से खरीदारी करके लाके अपने दुकान पे सेल करना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उन लोगों को मतलब महीने भर का पास, महीना भर बाकी का दिन वेस्ट है, वेस्ट है। अच्छा, लगातार लोग विदाउट टिकट भी सफर कर रहे हैं, बिल्कुल, और रेलवे ने काफी भारी भारी तादाद में लोगों को पकड़ा है और फाइन मारा है, बिल्कुल, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह गलती है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट की ही, अपने सरकार की ही गलती है, क्योंकि विदाउट टिकट लोग आने जाने के लिए मजबूर इसलिए हुए कि उनको टिकट्स नहीं मिल रहे, मेन वजह यही है। अगर टिकट्स मिल रहे तो विदाउट टिकट वो लोग सफ़र नहीं करेंगे, जर्नी नहीं करेंगे। अभी जैसे ये भाई ने शिकायत करता, इन्होंने अभी बताया यहाँ पर इनकी दो वैक्सीन हो चुकी है, दो वैक्सीन होने के बावजूद इनको एक महीना हो गया टिकट नहीं मिल रही, और इन्हें एक ही दिन जाना है और इन्हें एक महीने का पास निकालने के लिए कहा। इनके साथ में और दो वैक्सीन लिए हुए लोग भी यहाँ परेशान थे, जो बिना टिकट वो सफर कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये रोज यही हाल देख रहा हूँ। अच्छा, ये लगातार लगातार हर रोज यही है, हर रोज जैसे मुमरा है, ये पूरा मतलब आप वीटी तक, वीटी तक पूरा, सीएसटी तक वही है, सीएसटी भी लोग ऐसे ही बेबस खड़े रहते हैं टिकट खिड़की पर, कि भाई देखो हमने दो वैक्सीन ली, हमको थाना जाना है, मुमरा जाना है, डोंबिवली जाना है, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। दो वैक्सीन लेने के बाद, दो महीने के बाद, मतलब उसके 15, एक तो ऐसा बंदा था वीटी में, वैक्सीन दो होने के बाद 1.5 महीना हो गया, अच्छा, फिर भी वो कहीं आ जा नहीं सक रहा है ट्रेन से, उसे एक महीने के पास ले, एक महीने का पास। 19 के चलते लोग परेशान है, परेशान है, रोजी रोजगार से भी परेशान, अभी थोड़ा लॉकडाउन खत्म हुआ है, इंसान अपनी रोजी रोटी पे चल रहा है, अपने लाइफ को सेटल करने के लिए कर रहा है, लेकिन अभी ये वैक्सीन लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये इंतजाम है मुमरा स्टेशन के, रेलवे परिसर के, मैं खुद गया वहाँ पर, मैंने किसी और की ID पे टिकट लिया, मेरे आगे एक महिला थी, बच्चे की टिकट थी, उस महिला ने बिना ID देखे स्टेशन काउंटर पे जो टिकट करनी थी उसने वो टिकट छूट लिया। प्रशासन से विनंती है, खासतौर पर सेंट्रल रेलवे से, कि ऐसे लोगों पर ध्यान दे जो इस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों को टिकट नहीं दी जा रही है वैक्सीन लेने के बाद भी, और बिना वैक्सीन लिए लोग टिकट ले रहे हैं, आपके सामने ही सबूत है। देखिए, अभी हमने एक स्टीम ऑपरेशन किया है इस मुमरा स्टेशन पे, हमने हमारे ये पत्रकार साथी रफशान हिरानी, इन्हें हमने एक दूसरी ID देके, दूसरे की जो इनकी खुद की ID नहीं है, ये ID हमने यहाँ के जो टिकट के लिए खड़े हुए लोग हैं, ID दिखा के टिकट ले रहे हैं, हमने ये ID उन्हें दिखा के रफशान पिरानी को देके भेजा, और इस टिकट काउंटर पे, टिकट नंबर काउंटर नंबर 2, इस काउंटर पे एक महिला टिकट देने वाली बैठी हुई थी, और रफशान पिरानी ने टिकट ली यहाँ से थाना तक के, इन्हें टिकट मिल गई, उन्होंने ID बराबर से चेक नहीं किया, और जो दो वैक्सीन लगा के जो लोग आ रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं और अपना वहाँ पर डिटेल दे रहे हैं, और उन्हें एक सिंगल टिकट नहीं दिया जा रहा है, उन्हें एक महीने के पास के लिए
महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मजबूर किया जा रहा है। और इस टिकट काउंटर पे देखा जाए लापरवाही पूरी तरह चल रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बताए हुए और उनकी गाइडलाइन का दुरुपयोग करते हुए लोगों को टिकट दी जा रही है, मगर जो दो वैक्सीन लेने के बाद उन लोगों को टिकट नहीं मिल रही। तो लोग बिना टिकट सफ़र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसमें बिना टिकट वाले लोगों को काफ़ी तादाद में पकड़ा गया, रेलवे का भारी तादाद में फ़ायदा हुआ। तो इस महामारी लॉकडाउन में जो फ़ायदा रेलवे ने लोगों को फाइन मार के कमाया है, वो फ़ायदा लोग अपनी रोटी रोजी से परेशान होने के बाद रेलवे को दिए। तो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, अगाड़ी सरकार से हमारी विनती है, ये जो वैक्सीन, दो वैक्सीन लेने के बाद जो एक महीने का पास का जो सिस्टम है वो बंद किया जाए और सिंगल टिकट भी लोगों को देना चालू किया जाए। इसके लिए हमारी ये अपील है, हम आपसे विनती करते हैं।